मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार गुप्ता प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद में इस संबंध में प्रवेश जो हो रहे हैं इस समय 2021 और 22 के लिए विद्यार्थियों को सूचित करना चाहूँगा कि जो इस समय प्रवेश प्रक्रिया जो चल रही है उसमें विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी किसी बाह्य तत्वों के संबंध में और असामाजिक तत्वों के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि सुनने में आया है कि जो विद्यार्थी यहाँ पर कुछ ऐसे भी घूम रहे हैं असामाजिक तत्व जो कि पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरे अपने प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों से मैं कहूँगा कि हमारी जो प्रवेश प्रक्रिया है इसमें राजकीय महाविद्यालयों में सरकार की तरफ से या उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से इसमें पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें महाविद्यालय का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है। विद्यार्थी ऑनलाइन फीस भरेंगे और मेरिट भी ऑनलाइन, सभी तरह की ये ऑनलाइन है। अब इस समय हमारी दो मेरिट सूची जारी की जा चुकी है। तीसरी जो कि ओपन प्रक्रिया के अंदर विद्यार्थी उम्मीद कर रहे थे, किंतु महाविद्यालय के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि ये सभी हम ऑनलाइन ही डेली बेसिस के ऊपर हम लिस्ट निकालेंगे और उस लिस्ट में जो भी उस दिन उपस्थित होंगे उनका यहाँ पर फर्स्ट कम सर्व के ऊपर न होकर बल्कि उनके मेरिट हम बनाएंगे प्रतिदिन के आधार के ऊपर और वो मेरिट के आधार पर अपनी फीस ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसमें किसी भी जो ऐसा तत्व है, जो बाह्य तत्व है जो किसी भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस पैदा करना चाहता है तो उनके बहकावे में नहीं आए। किसी भी तरह का कोई भी लेन देन या किसी भी तरह के इसमें आप न करें और ये सरकार की तरह पूर्णतया पारदर्शी एवं बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है जिसके अंदर विद्यार्थी ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। फिर से मैं विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि विद्यार्थी ट्रांसपेरेंसी रखें और उसके अंदर अपने किसी भी यहाँ पर डायरेक्ट फीस भरें और डायरेक्ट मेरिट में यहाँ पर आएँ। और इसके साथ साथ ही मैं कहूँगा कि यदि किसी भी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि इस तरह की अगर कार्रवाई इसमें की जा सकती है तो हम मुझे विद प्रूफ यहाँ पर आप सूचित करें और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मैं महाविद्यालय की तरफ से अपने प्राचार्य मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी विद्यार्थियों को। थैंक यू।